हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान। गाइस, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अकबर और बीरबल है। जैसे कि अकबर को बीरबल बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि बीरबल बहुत स्मार्टली सोचता था, हर चीज़ का हल वो स्मार्टली निकालता था। तो उसी के बेस पे ये स्टोरी है। अकबर की जो रिंग है वो गुम हो जाती है और बीरबल उसको अपनी स्मार्टनेस से ढूंढ के लाता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है देखते हैं। अकबर्स रिंग, यह है पोस्ट ऑफिस एस, ठीक है, लाइक अकबर की अंगूठी। ओके, जब पोस्ट ऑफिस एस लग जाता है तो अकबर की अंगूठी। एम्पेरर अकबर लव्ड टू वेयर ज्वेलरी। एम्पेरर मतलब सम्राट। सम्राट अकबर लव्ड टू, उसको क्या अच्छा लगता था? वेयर ज्वेलरी। वेयर मतलब पहनना, ज्वेलरी मतलब गहने। उसको गहने पहनना अच्छा लगता था। हिज फेवरेट वॉज अ रिंग विद अ लार्ज डायमंड सराउंडेड बाय पर्ल्स। हिज, उसकी फेवरेट मतलब उसकी मनपसंद वॉज अ रिंग, एक रिंग थी विद अ लार्ज डायमंड, बहुत बड़ा जो हीरा होता है, विद अ लार्ज डायमंड, बड़ा हीरा, सराउंडेड बाय पर्ल्स। उसके आसपास क्या लगा था? सराउंडेड बाय मोती मतलब पर्ल। उसके आसपास क्या लगा था? मोती लगे थे। ठीक है, देयर वर 8 सर्वेंट्स, वहाँ 8 उसके नौकर थे। Who looked after Akbar's clothes and jewelry? जो who देखभाल करते थे, looked after Akbar's clothes, उसके कपड़ों की और ज्वेलरी। यहाँ भी अकबर्स आया, मतलब अकबर्स के कपड़ों की और ज्वेलरी की जो देखभाल करते थे। कितने थे? 8। No other person could enter the emperor's room without his permission. No other, और कोई भी नहीं, no other person could enter, आ सकता था द एम्पेरर्स रूम, सम्राट के कमरे में, विदाउट हिज परमिशन, उसकी इजाज़त के बिना। विदाउट मतलब बिना उसकी परमिशन, इजाज़त के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। ठीक है, वन डे अकबर टोल्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट, एक दिन अकबर ने अपने सर्वेंट को बोला, टोल्ड वन ऑफ हिज, टोल्ड मतलब बोलना, वन ऑफिस उसमें से एक सर्वेंट को बोला, टू गेट लाना हिज फेवरेट रिंग, अपनी एक रिंग लाने के लिए बोला, मनपसंद रिंग। द सर्वेंट रिटर्न टू टेल हिम दैट ही कुड नॉट फाइंड इट। उस सर्वेंट ने बोला, वापिस आया, रिटर्न, ठीक है, द सर्वेंट रिटर्न, नौकर वापिस आया, टू टेल हिम, और उसको बताया दैट कि उसकी जो रिंग है वो नहीं ढूंढ सका। Could not find it. Find मतलब मिलना, ढूंढना। Could not सका, नहीं ढूंढ सका उसे। अकबर बिकेम एंग्री, अकबर जो था वो गुस्से में आ गया। अकबर बिकेम होना, बिकेम एंग्री, गुस्सा, एंड ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, उसने अपने नौकरों को ऑर्डर दिया, टू लुक फॉर इट, कि उसको ढूंढो। लुक फॉर मतलब ढूंढना, खोजना, लुक फॉर इट, बट ऑल वेंट इन वेन, बट लेकिन सब क्या गया? बेकार गया, कोई भी उसको नहीं ढूंढ पाया। वेन मतलब व्यर्थ जाना, सारी कोशिश क्या गई? व्यर्थ गई। वेंट मतलब गई, ठीक है। सो ही कॉल्ड बीरबल, उसने बीरबल को बुलाया, एंड टोल्ड हिम, उसको बोला, द एंटायर स्टोरी, सारी उसको पूरी, एंटायर मतलब पूरी उसको स्टोरी बताई। बीरबल आस्क्ड वन ऑफ द सर्वेंट टू ब्रिंग 8 स्टिक्स ऑफ द सेम साइज। बीरबल ने एक सर्वेंट को, उनमें से जो 8 लोग थे उनमें से एक को बुलाया, वन ऑफ द सर्वेंट, ठीक है, उसको पूछा, टू ब्रिंग 8 स्टिक्स, क्या लाने के लिए बोला? ब्रिंग मतलब लाना, 8 लकड़ियां लाने के लिए बोला, ऑफ द सेम साइज, कि एक ही साइज की हों, ठीक है। बीरबल देन कॉल्ड ऑल द 8 सर्वेंट्स हु वर इन चार्ज ऑफ एम्पेरर्स रूम। बीरबल देन कॉल, उसने बुलाया ऑल द 8 सर्वेंट, जो 8 जो सर्वेंट थे, नौकर थे, उन सबको बुलाया, कॉल्ड मतलब बुलाना, हु वर इन चार्ज ऑफ, जिनकी जिम्मेदारी थी, किसकी? ऑफ द एम्पेरर्स रूम की, उस रूम में 8 लोगों की जिम्मेदारी थी, जो उसको सामान और पकड़ाते थे और क्लोथ्स ज्वेलरी वगैरह सब देते थे, उन सबको बुलाया। He gave each of them a stick. उसने हर किसी को, he gave, उसने दिया each of them, हर एक को, उनमें से हर एक को a stick. Stick दी and asked them, उनको बोला, to come back with it. To come back, कि वापिस आना, with it, इस लकड़ी के साथ, the next day.
अगले दिन इस लकड़ी के साथ आपने वापस आना है, ठीक है। एवरीवन लुक्ड बेफिल्ड, मतलब हर कोई वो था हैरान हो गया। एवरीवन लुक्ड बेफिल्ड, बेफिल्ड का मतलब होता है कि हैरान हो जाना एकदम से, ठीक है, सारे हैरान हो गए। बीरबल एड्रेस्ड द सर्वेंट एंड सेड, उसने सारे जो सर्वेंट थे उनको बुलाया, संबोधन किया, एड्रेस्ड, ठीक है, एंड सेड, बोला, हु एवर हैज स्टोलन द एम्परर्स रिंग, जिसने भी, हु एवर हैज स्टोलन, जिसने भी सम्राट की रिंग चुराई है, विल बी आइडेंटिफाइड, जल्दी ही पहचान में आ जाएगा, मतलब मिल जाएगा, विल बी आइडेंटिफाइड, मिल जाएगा सून, जल्दी ही, बिकॉज ओनली द थीव्स स्टिक, सिर्फ जो जिसने चोरी की है उसकी स्टिक, विल बिकम लॉन्गर, बड़ी हो जाएगी, बाय वन इंच ड्यूरिंग द नाइट, एक इंच बड़ी हो जाएगी ड्यूरिंग द नाइट, रात में ही वो जो स्टिक है वो एक इंच लंबी हो जाएगी, ठीक है। द एक्चुअल थीव कुडंट स्लीप ऑल नाइट, जो वास्तव में जो चोर था, वास्तव में जो थीफ था, चोर था, कुडंट स्लीप ऑल नाइट, वो नहीं सो सका, पूरी रात उसको नींद नहीं आई, नहीं सो सका। ही वॉज अफ्रेड, वो डर गया था, दैट हिज स्टिक वुड बिकम, कि उसकी जो छड़ी है, उसकी जो लकड़ी है, वुड बिकम लॉन्गर बाय मॉर्निंग, कि बड़ी हो जाएगी मॉर्निंग तक, बाय मॉर्निंग तक मतलब सुबह तक, क्या है वो लंबी हो जाएगी, क्योंकि बीरबल ने बोला था, ठीक है। एंड ही वुड बी पेनलाइज्ड, उसको दंडित किया जाएगा, पेनलाइज मतलब उसको दंड दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा, पेनलाइज मतलब दंड देना, वुड बी पेनलाइज, किया जाएगा। एन आइडिया स्टक हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, एन आइडिया स्टक हिज माइंड, एंड ही कट हिज स्टिक बाय वन इंच, उसने क्या किया, ही कट मतलब काटना, हिज स्टिक, उसने अपनी छड़ी को काट दिया बाय वन इंच, एक इंच अपने आप ही काट दिया, उसको था कि सुबह तक बड़ी ना हो जाए, जैसा कि बीरबल ने बोला था। द नेक्स्ट डे बीरबल इंस्पेक्टेड द स्टिक्स ऑफ ऑल द एट सर्वेंट्स वन वन बाय वन, बीरबल ने क्या किया, अगले दिन सबका मतलब निरीक्षण किया, इंस्पेक्टेड सबकी स्टिक देखी उसने, इंस्पेक्टेड मतलब देखना, निरीक्षण करना, द स्टिक्स ऑफ ऑल द एट सर्वेंट्स, वो जो आठ सर्वेंट थे उनकी उसने स्टिक को चेक किया वन बाय वन, ठीक है। ही कॉट होल्ड ऑफ वन ऑफ देम, उसने जिसकी छड़ी कटी हुई थी उसने उस एक को पकड़ लिया, ही कॉट होल्ड ऑफ वन ऑफ देम, वन ऑफ देम मतलब उसमें से एक को, वन ऑफ देम उसमें से एक को कॉट पकड़ लिया, एंड टुक हिम टू अकबर, और अकबर के पास ले गए, टुक हिम ले गए टू अकबर, अकबर के पास। द मैन एडमिटेड टू हिज क्राइम, ठीक है, द मैन एडमिटेड मान गया, स्वीकार कर लिया, एडमिटेड मतलब स्वीकार कर लिया, टू हिज क्राइम, उसने अपने दोष को स्वीकार कर लिया, एंड स्टार्टेड प्लीडिंग मतलब सिफारिश करने लगा, सिफारिश शुरू कर दी करने, फॉर फॉरगिवनेस कि माफ़ कर दो मुझे, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ करना, स्टार्टेड प्लीडिंग फॉर फॉरगिवनेस। एवरी वन इन कोर्ट वॉज एस्टोनिश्ड, हर कोई, एवरी वन हर कोई इन द कोर्ट, कोर्ट में वॉज एस्टोनिश्ड, हो गया था मतलब हैरान हो गया था, ठीक है। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने पूछा बीरबल, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द थीफ, कि तुम्हें कैसे पता चला चोर के बारे में। बीरबल, हाउ डिड यू कम टू नो, पास्ट है, डिड यू कम टू नो, पता चला, अबाउट द थीफ, थीफ के बारे में। बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, बीरबल हंसा और उसने कहा, आलमपना, पहले के ज़माने में सम्राट को क्या बोलते थे, जहाँपना, आलमपना, तो ये उसी का वर्ड है। द थीफ फियर्ड, चोर डर गया, दैट द स्टिक वुड रियली ग्रो, कि जो उसकी स्टिक थी वो सच में कहीं बढ़ ना जाए, ग्रो ना कर जाए, ग्रो, ठीक है, वुड रियली बढ़ जाएगी, एंड सो ही कट इट बाय वन इंच, तो उसने पहले ही कट इट बाय वन इंच, पहले ही वन इंच काट दी, चोर को लगा था कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी तो उसने पहले ही वन इंच काट दी, जिससे वो पकड़ा गया। द होल कोर्ट अप्लॉडेड बीरबल्स स्मार्टनेस, पूरे जो पूरा होल मतलब पूरा जो कोर्ट था जो सारे बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, अप्लॉडेड, उन्होंने तालियां बजाई, उसकी तारीफ करी, बीरबल्स स्मार्टनेस, बीरबल की स्मार्टनेस की
तारीफ करी, तालियां बजाई उस पर। अकबर गॉट हिज फेवरेट रिंग बैक, अकबर को अपनी जो उसकी फेवरेट रिंग थी, गॉट हिज फेवरेट रिंग बैक, वापस मिल गई। एंड फॉरगेव द थीफ, उसने चोर को माफ़ कर दिया। ठीक है, फॉरगेव मतलब माफ़ करना, थीफ चोर। सो गाइस, ये स्टोरी देखा जाए तो बहुत अच्छी है, स्मार्टनेस है। बीरबल ने अपना दिमाग लगाया और चोर को ढूंढ निकाला। ठीक है, जो चोर था उसके मन में था कि हाँ, अगर मैं सुबह पकड़ा गया तो उसने पहले ही अपनी स्टिक काट दी, जिससे कि बीरबल को पता चल गया कि चोर यही है। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, मैं थोड़े से जो वोकैब वर्ड्स हैं वो लेकर आई हूँ। ठीक है, एम्परर सम्राट, वेन व्यर्थ, बेफल्ड हैरान होना, एड्रेस्ड संबोधित, पेनलाइज्ड सजा या दंड देना, इंस्पेक्टेड निरीक्षण करना या जांच करनी, एडमिटेड स्वीकार करना, प्लीडिंग सिफारिश करना, एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित, मतलब एक भौचक्का रह जाना, एस्टोनिश आश्चर्यचकित रह जाना, अप्लॉड ताली बजाई। सो गाइस, ये स्टोरी के वोकैब वर्ड्स हैं जिसको आप हर रोज़ याद कर सकते हैं। गाइस, प्लीज़ इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो आप हर रोज़ अगर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप एक दिन ज़रूर इंग्लिश बोल पाएंगे।